आप यहाँ पर आज प्रधानमंत्री से मिलने आए, वो मुलाकात कैसी हुई, क्या बताते हैं? बहुत अच्छी रही, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और जब मैं छोटी थी तब भी मैं उनसे मिली थी और तब मैं सिंगर नहीं थी, मैं छोटी थी, मैंने स्कूल में गाया था, तब सर ने मुझे सुना था और 250 रुपया इनाम दिया था, तब उन्होंने कहा था कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप प्रैक्टिस करना इसमें, तो मैंने प्रैक्टिस की और आज मैं गुजरात की टॉप सिंगर हूँ। अभी मेरा जो सॉन्ग है रोना शर्मा उसको 25 करोड़ व्यू पूरे हो, तो मैं उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। हम मालधारी लोग हैं जो जंगल में रहते थे, तो मेरे पापा को पोस्ट कार्ड मिली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने उस विषय पर मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, तो मेरी जो लाइफ है उन्होंने सेट की, क्योंकि अगर मैं पढ़ी ना होती तो इस स्टेज पर ना होती। उनका जो प्रोजेक्ट था जिसमें मैं पढ़ी हूँ, तो अब मैं उनका जो प्रोजेक्ट उसमें आगे बढ़ाऊंगी, जब मैं हमारे समाज की और कई समाज की जो लड़कियाँ होंगी जिसको प्रॉब्लम होगी फैमिली में, जो पैसे नहीं और वो पढ़ाई नहीं कर सकती, तो उनको हेल्प करूँगी, तो कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो आगे चलता रहे। मेरा जो यही सॉन्ग है रोना शर्मा जिसको 25 करोड़ व्यू मिले, तो मैं अभी यही गाऊंगी, मैंने उनको भी यही सुनाया है और मोदी जी के लिए मैंने लिखा था 2017 में, मैं खुद लिखती हूँ तो यही लिखा था, बहुत अच्छा है। हाय मेरा जी मोदी जी तारा राज मारे, अमेरा जी मोदी जी तारा राज मारे, सौ सहमत तुम्हारी बात मारे, सौ सहमत तुम्हारी बात मारे, पछी वट पड़े छे या वर्ल्ड मारे, पछी वट पड़े छे गुजरात मारे।